जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL टेक्नीशियंस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 60 पद इसमें निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म 25 फरवरी 2023 तक आप भर पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एंड अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप इसके इंपोर्टेंट डेट्स और आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, कौन सी पोस्ट पर क्या फीस आपको पे करनी है या फिर एज लिमिट कितनी रहेगी, सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। फीस तो आप यहीं से जान लीजिए कि इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 590 रुपये फी पे करनी है और एससी एसटी विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है, ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लास्ट नेम आपका यहां पर एंटर करना है, लास्ट नेम को दोबारा से यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर यहां पर आपको ईमेल आईडी दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देनी है। और साथ ही आप यहां पर क्लिक टू वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि आपको यहां पर डाल करके इसको वेरीफाई करना है। एंड देन आप यहां पर जैसे इसको वेरीफाई कर ले, ये कैप्चा कोड फिल करके आपको सबमिट कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया है। आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। ये कैप्चा कोड यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करना है एंड देन साइन इन पर क्लिक करना है। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक्टिव एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो पोस्ट देखने को मिल रही है जो कि इस टेक्नीशियन पोस्ट के अंदर यानी कि टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के अंदर निकाली है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो अभी मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन इस पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो आप यहाँ पर आएंगे और जिस पर भी आपको अप्लाई करना है आप उसी के सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है रजिस्ट्रेशन के वक्त की, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर आपके जो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना है, नहीं तो यहां पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में यहां पर आते हैं मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो जो भी आपका मदर्स नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर आता है एक्चुअल कैटेगरी, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, जैसे कि जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर एसटी सेलेक्ट किया है। तो फिर आते हैं अप्लाइंग एज कैटेगरी, तो आप यहां पर एसटी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो जनरल है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पर अगर आपकी कैटेगरी एस सी एस टी है तो आपको यहां पर सब कास्ट कम्युनिटी बतानी है। अगर आपको मालूम है तो आप यहां पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, कंपलसरी रूप में नहीं दिया है। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यहां पर आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको यहां पर इसको सेलेक्ट के ऊपर ही रहने देना है। अब आता है आपका क्या आप एक्स सर्विस मैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर आपको नो करना है। फिर यहां पर आपसे पूछा कि आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर इस तरह से जो भी आपका ईयर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर आपको देना है, जो कि कंपलसरी है, आपको देना ही होगा। इसके बाद आधार नंबर है, आधार नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी प्रूफ में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। जो भी आईडी आप इनमें से सेलेक्ट करें उसका नंबर आपको देना होगा, और इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद यहां पर आता है आईडी प्रूफ नंबर, तो आपने जो भी आईडी सेलेक्ट किया उसका नंबर आपको यहां पर देना है। सिटीजनशिप में आपको इंडियन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपको पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे आर
आर यू एन एक्साइटिंग एम्प्लॉई ऑफ HPCL? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में हैव यू वर्क विद HPCL एज ए GAT? अगर आपने काम किया तो आप यस करें, अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दें। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं और आपको यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है नील, यानी कि आपके लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद में आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर आ जाएंगे, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आता है मेलिंग एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस तरह से लाइन फर्स्ट और 2-3 के अंदर लिख देंगे आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट। फिर यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, स्टेट आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, करंट सिटी आपकी कौन सी है वो सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी करंट स्टेट है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आपका नंबर ईमेल आईडी दी गई है, अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर आते हैं प्रीफर्ड सेंटर फॉर रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट के लिए आप इनमें से किस जगह को सेंटर के रूप में देना चाहते हैं, तो इन्हीं से लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। मैं यहां पर इसको सिलेक्ट करता हूं और इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब गाइज आपके सामने आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन, तो यहां पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यानी कि जिस भी डिसिप्लिन में है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आता है आपका ड्यूरेशन इन ईयर, यानी कि कितने साल की है वो आपको यहां पर लिखना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहां पर एंटर कर देंगे, किस महीने और किस ईयर के अंदर आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ज्वाइन की थी वो आपको यहां पर इस तरह से पहले मंथ सेलेक्ट करना है और फिर जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कब आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी वो आपको यहां पर पहले मंथ सेलेक्ट करना है और फिर जो आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट इसके अंदर है तो आप यहां से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहां पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर सकते हैं जहां से भी आपने ये क्वालिफिकेशन की है। इसके बाद में यहां पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है लिस्ट ऑफ एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, तो यहां पर गाइज आपको जो आपका आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है उसका नाम आपको यहां पर देना है और उसके बारे में यहां पर आपको कोई जानकारी देनी है तो आप यहां पर दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई अन्य प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट का नाम यहां पर देंगे और उसके बारे में जानकारी लिख करके बता देंगे। फिर आपको यहां पर वैलिडेट योर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहां पर आपके सामने बैंकिंग डिटेल का सेक्शन आ चुका है जहां पर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है, आपके बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना FSC कोड देना है, बैंक नेम ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही आप FSC कोड एंटर करेंगे। अगर आपकी UPI ID है तो आप यहां पर उसको भी डाल देंगे और फिर आप यहां पर वैलिडेट योर डिटेल्स यानी कि इस जानकारी को वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपको फोटो एंड रिज्यूम अपलोड करना है, तो आपका जो फोटो है उसके लिए आपको बोलेगी क्लियर एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ शुड हैव ए मिनिमम 80% ऑफ द फेशियल कवरेज, यानी कि आपका जो फेस है 80% वो कवर होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी क्लियर एंड एलिजिबल, यानी कि आपका सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है और यहां पर बेसिकली आपको बोले कि आपका जो ई सिग्नेचर है वो आपका जो ब्लैक पेन होता है बॉल पेन उससे लिया होना चाहिए। तो यहां पर आपको अपलोड योर फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे तो आपकी फाइल का नेम यहां पर आ जाएगा। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा, साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर देंगे। तो यहां पर बेसिकली आप जैसे इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी जानकारी को आप यहां पर वेरीफाई कर लीजिए, अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर नीचे आएंगे और अब आपको यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद में अब आप यहां पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले यहां पर फीस जमा करनी होगी तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। यहां पर गाइस आपको क्लिक टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग HPCL टेक्नीशियंस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।